माँ देखो कौन आया है। देखती हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते, आओ आओ। स्वीटी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? स्वीटी बाथरूम में है, नहा रही है, बैठो। स्वीटी। हाँ। समीर आया है। हाँ माँ आती हूँ। वाओ सो ब्यूटीफुल। तुम बैठो, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। हाँ ठीक है। देखता हूँ आंटी क्या कर रही है। यह तो काम में बिजी है, मैं अंदर चला जाता हूँ। क्या है, क्या कर रहे हो ये? माँ आ जाएगी अभी? वो काम में बिजी है, वो नहीं आएगी। अच्छा अरे ये क्या क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, प्यार कर रहा हूँ। अरे काम में बिजी है, नहीं आएगी। अरे नहीं आएंगी बोला ना। अरे मैं कह रही हूँ वो नहीं आएगी, काम में लगी हुई है ना। क्या हुआ, क्या हुआ? तू दूसरों की इज्जत से खेलता है कमीने। दोबारा अगर तूने इससे मिलने की कोशिश की तो तुझसे मैं नहीं पुलिस बात करेगी। कुत्ते कमीने, निकल यहां से। हमारी छूट का नाजायज फायदा उठाया तूने। लेकिन मम्मी। चुप, बिल्कुल चुप। अगर आइंदा तू उससे मिली तो टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। इसको धमकी मत समझना, समझी?
स्वीटी का फोन। हेलो। हेलो, ठीक तो हो स्वीटी? मैं ठीक नहीं हूँ। मम्मी हम दोनों को अलग करना चाहती है। कुछ करो समीर, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं होगा। फिर कुछ सोचो समीर, कुछ करो, वरना वरना हम ऐसे ही तड़पते रह जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, और मॉम द्वारा बनाई गई दीवार और भी मोटी होती चली जाएगी, और फिर हम दोनों जुदा हो जाएंगे। जो हमारे प्यार की कदर नहीं करता, वैसे इंसान से नाता तोड़ देने में ही भलाई है। तुम्हारी मॉम ने जो जुदाई की दीवार खड़ी की है, हम उसको तोड़ देंगे। अच्छा, कैसे? आज रात में तुम्हारे घर आता हूँ, फिर बताता हूँ क्या करना है। इंतजार करना मेरा। ठीक है। बजे बोला था और एक बजने को आया है, अभी तक नहीं आया। जल्दी, तुमने क्या सोचा है? कुछ तो बोलो, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखो स्वीटी, परिवार के बारे में सोचना भूल जाओ, हम लोग भाग चलते हैं। तुम ये क्या बोल रहे हो? हम ऐसे कैसे भाग सकते हैं? मैं सही बोल रहा हूँ, जो भी पैसा गहना है ना, लेके निकलो, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे कैसे? हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन जी, मैं 202 से मनोरमा बोल रही हूँ, गणेश सोसाइटी से। जी जी, आप आ जाइए। मम्मी, मम्मी, तुमने ये क्या किया? तुम दोनों में से अनुपमा कौन है? ओ, यानी कि तुम दोनों ने इसे मारा? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब,
ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। ए, चलो तुम दोनों।